वर्ल्ड की सबसे लंबा टनल के अंदर अभी इंटर करने वाले हैं हम लोग। गाड़ी से टकरा चुका था और ये जो नीचे वाला पत्ती है ये डैमेज कर चुका है हमारा, तो ये आग और फैलता जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को अरुणाचल की सेला पास की कहानी पता है? अगर नहीं पता है तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जर्नी का 6th डे है और आज हम लोग तवंग से कोलकाता की तरफ जर्नी स्टार्ट करेंगे। जो कहानी है कुछ 1962 इंडो चाइना वॉर की है, जिस टाइम पे हम लोगों का इंडियन आर्मी बैकआउट कर रहा था और उसी टाइम पे हमारा एक जवान सर जसवंत सिंह रावत, जो लोकल दो लड़की के मदद से एक मशीन गन लेके अलग अलग जगह से फायरिंग करके चाइनीज आर्मी को 72 आवर्स तक रोक के रखा था। चाइनीज आर्मी को पता ही नहीं लग पाया कि आगे कितना इंडियन आर्मी है, बट उनका एक स्नाइपर जो आइडेंटिफाई किया था कि आगे एक ही आर्मी है, तो चाइनीज आर्मी को जैसे इन्फॉर्म किया कि आप एक ही फाइटर के साथ फेस कर रहे हो, तो उन्होंने फिर आगे बढ़ा और शूट आउट में फिर हमारा जो जवान था सर जसवंत सिंह रावत, उन्होंने मारा गया था। और जो दो लड़की का मदद लिया था उन्होंने, एक का नाम था सेला और एक का नाम था नूरा, तो सेला भी शूट आउट में मारा गया था और नूरा को पकड़ लिया गया था चाइनीज आर्मी द्वारा। तो ये जो सेला पास है, वो जो लड़की था सेला के नाम पे ही बनाया गया था, सेला पास दिया गया था। और सर जसवंत सिंह रावत जो थे, अब ये जो जगह क्रॉस करने वाला हूँ उन्हीं के नाम पे ये मेमोरियल यहाँ पे बनाया गया है, जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को। सेला पास से उत्तर की तरफ एक वाटरफॉल्स है जिसका नाम रखा गया नूरा के नाम के ऊपर, नूरानांग फॉल्स। तो दोस्तों, तवंग जो सिटी है काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी है, क्योंकि इससे 30 किलोमीटर के अंदर ही चाइना बॉर्डर आ जाता है। और ये तवंग सिटी ठंड के टाइम पे 3 महीना पूरा मेन लैंड से डिसकनेक्टेड रहता था, बिकॉज ऑफ बर्फ़ के वजह से पूरा सेला पास बंद हो जाता था। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सेला टनल बना है, जो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। आज है 17th of March और ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले 9th of March इस टनल का इनॉग्रेशन किया गया है अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये वीडियो में आप लोगों को ये स्पेशल जो सेला टनल का व्यू है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर बने रहिए वीडियो में और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बाई लेन जो टनल है वो देखने के लिए तैयार हो जाइए। टोटल दो टनल मिलके ये सेला टनल बनाया गया है। टनल वन जो है वो 980 मीटर का है और टनल टू जो है वो 1555 मीटर का है। सो अभी हम लोग दोस्तों सेला टनल का जो एंट्री गेट है वहाँ से एंट्री करने वाले हैं हम लोग। आगे सामने देख पा रहे हो ये सेला टनल का एंट्री गेट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और इसके लिए हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे बीआरओ को। चारों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। और दोस्तों, ये जो टनल है इसके वजह से यहाँ का जर्नी जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे का जर्नी शॉर्ट पड़ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा टनल बना है यहाँ पे, हम लोग देखेंगे अभी। अभी ये देख पा रहे हो अभी एंट्री करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्टैचू भी बनाया गया है और ये वाला टनल जो न्यूज़ में आया था ये टनल दिखाया गया है यहाँ पे। और ये टनल जो है 9th March को जो इनॉग्रेशन किया गया था, यहाँ पे बहुत सारा लोग फोटोशूट कर रहा है अभी। तो अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं टनल के अंदर से। और ये देख पा रहे हो बाई लेन टनल है जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है, और इसका जो हाइट है 13,000 फीट है। ये ऑलमोस्ट 400 मीटर नीचे है जो सेला पास है वहाँ से। तो ये अभी टनल, ये एक्चुअली टनल टू है क्योंकि हम लोग रिटर्न जर्नी के टाइम पे इससे इंटर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये 9th March को जो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था, उनके साथ थे जो प्राइम चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल के माननीय प्रेमा खांडू एंड किरण रिजिजू भी सर भी उन्होंने भी वो भी उपस्थित थे वहाँ पर, और हमारे माननीय राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। सो दोस्तों, ये टनल बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारा आर्मी मूवमेंट के लिए। और आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत सा टनल है, और इसी टनल का वीडियो और ये न्यूज़ में आया था। अभी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम चल रहा है इसके अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी इसके अंदर से जाने में। और ये अभी टनल टू है, अभी आगे जो 1200 मीटर बाद ही फिर और एक टनल आएगा। जो टनल वन है वो इससे थोड़ा सा छोटा है, ये सबसे लंबा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी क्योंकि जस्ट एक हफ्ता पहले ही इस टनल का इनॉग्रेशन हुआ है और हम लोग एक हफ्ता बाद ही इस टनल के अंदर से पास कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और आप लोगों को भी देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट जैसे मैंने बताया बाइलेन जो टनल है, और इसके आगे और एक टनल मिलेगा फिर, और इसका चारों तरफ का व्यू मैं दोस्तों बयान नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत है टनल के बाहर। और आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि फ्यूचर में इसके आसपास टनल के एंट्री या एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे शायद कुछ दुकान वगैरह मिल जाए खाने पीने का, वो भी चांसेस है। आप चारों तरफ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। अभी हम लोग दूसरा जो टनल है टनल वन उसके अंदर एंटर करने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों सामने, और ये थोड़ा सा छोटा है उसके मामले में टनल टू के हिसाब से, और इसका जो लेंथ है ये 980 मीटर है, तो इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा खूबसूरत था, लाइट वेट लगा हुआ है प्रॉपरली, इसमें भी लाइट लगा हुआ है बट इससे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था जो टनल टू है। दोस्तों अभी गाड़ी को हमें सडनली रास्ते में रोकना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा पत्थर गाड़ी के नीचे आ गया था और ज़ोर का आवाज़ भी आया था, तो हम लोग जब नीचे आए देखे गाड़ी से टकरा चुका था, और ये जो नीचे वाला पत्ती है ये डैमेज कर चुका है हमारा गाड़ी का, ये डैमेज हो चुका है आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी हल्का डैमेज हमारा है, डीजल टैंक जो है उसमें स्क्रैचेस आया हुआ है, ये देखिए ये और ये घिसा है, सो मेनली बड़ा डैमेज जो हुआ है वो इस एरिया पे हुआ है, ये और ये आगे का जो इंजन बे है उसमें भी हल्का स्क्रैचेस आया है, तो आगे का जर्नी में इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो बड़ा खराब लगा। दोस्तों ये देख सकते हो अभी ये जो दो डिवीजन दिख रहा है आपको, सो यहाँ से ही रास्ता मिलनी जो अगर आप दिरांग से तवांग की तरफ आ रहे हो और आपको सिला पास नहीं जाना है, सिला पास टनल जाना है, तो आपको इस रास्ते से लेना पड़ेगा अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और अगर आपको सिला पास एंजॉय करना है तो आप लोग उस रास्ते से आओगे, और फिर इस रास्ते से आने के बाद फिर इस ए वाला रास्ता लेना पड़ेगा, तो ये वाला रास्ता लोगे तो आप लोग डायरेक्ट सिला पास पहुंच जाओगे और सिला लेक एंजॉय कर पाओगे, तो हमने जाने के टाइम पे ये रास्ता लेके सिला पास होते हुए सिला लेक में थोड़ा सा रुक के एंजॉय किए थे, उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे तवांग, तो अभी हम लोग रिटर्न आने के टाइम पे अभी सिला टनल से होके आ रहे हैं, तो जो सिला पास को टोटली बाईपास कर देता है, तो अभी हम लोग सीधा फिर ये रास्ते से सीधा दिरांग की तरफ चल रहे हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि फिर से हम लोग शांति वाली का जो कैंपिंग साइट था हमारा थिल्ले होमस्टे वहां पे फिर से आना पड़ा हमें, क्योंकि मेन कल्प्रिट था ये बंदा अपना फ्लैशलाइट यहाँ पे हमारा जो रूम था ये वाला छोड़ के चला गया था, तो हमने डिसाइड किया कि जाने के साथ टाइम पे यहाँ से होते हुए टॉर्च भी कलेक्ट कर लेंगे और अपना जो लंच है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, सो इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। अभी दूसरा गेस्ट भी आया हुआ है यहाँ पे, ये लोग कैंपिंग के लिए यहाँ पे टेंट वेंट सेटअप भी किया है, सो हम लोग यहाँ पे फटाफट अपना लंच कंप्लीट करेंगे और अपना
फ्लैशलाइट कलेक्ट करके यहाँ से फिर निकल पड़ेंगे। दोस्तों अभी शाम का 5 बज रहा है और अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुक गए हैं। बहुत ही सुंदर एक वैली है, उसके बीच में एक चाय का दुकान मिल गया हमें, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए चाय पीने के लिए। यहाँ आशीष बिजी हो गए अपना फोटोशूट करने के लिए और इस दुकान में गौतम दा उधर खड़ा है, चाय का प्रोसेसिंग चेक कर रहा है कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, हमारा क्वालिटी मैनेजर। तो इसी दुकान में हम लोग चाय पियेंगे। दोस्तों अभी ये भालुकपोंग जाने वाले रास्ते में अभी और एक टनल मिला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बनाया हुआ है, नेचीफू टनल। दोस्तों अभी हमने गाड़ी को रोका है रास्ते में और एक चीज़ दिखाने के लिए, ये देखे हो गाड़ी के ऊपर पहाड़ में कैसे आग लगाया गया है और ये किस तरह से जल रहा है। तो दोस्तों ये आग और फैलता जा रहा है और ये आग ऐसा लग रहा है कि फ्रेश आग है, मतलब आज ही शाम को किसी ने लगाया हुआ है और बहुत जल्द, मतलब बहुत ही जल्दी ये आग फैल रहा है पूरा जंगल में। सो दोस्तों ऐसे ही हमारा ग्रीनरी ख़त्म हो रहा है, एक के बाद एक जंगल में आग लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों चलिए फिर आगे मिलते हैं, अभी भालुकपोंग जाने में अभी 30 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो आज हम लोग भालुकपोंग में ही स्टे करेंगे। चलिए दोस्तों अभी भालुकपोंग एंटर कर चुके हैं हम लोग और अभी रास्ते में हर जगह चेकिंग चल रहा है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है अभी, तो इलेक्शन का टाइम के लिए हर जगह गाड़ी चेकिंग हो रहा है, बट टूरिस्ट गाड़ी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। और अभी होटल चेक करने के लिए अभी हमारा गौतम दा और आशीष गया हुआ है अभी बात करने के लिए कि क्या है नहीं है, और फिर आगे देखते हैं अगर होटल मिल जाएगा तो फिर हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे आज। दोस्तों फिर जिस होटल में हम लोग बात करने आए थे, सो यहाँ पे फाइनली हमें होटल मिल गया है और होटल का नाम है सिगल। यहाँ पे हम लोग अभी आज रात का स्टे करेंगे क्योंकि आगे जर्नी हमें ठीक नहीं लग रहा है और वैसे भी कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि कहीं तक जाना है नहीं जाना है, तो भालुकपोंग में अभी स्टे कर लेंगे। और जैसे अभी हमारा गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर दिया है बट गाड़ी में से स्टीयरिंग में से कुछ आवाज़ आ रहा है टिक टिक करके, बट वो भी हमें कल सुबह चेक करेंगे क्योंकि आज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज रास्ते में बहुत जगह रुक रुक के आए थे तो काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो होटल में अभी स्टे करने वाले हैं, अभी एंट्री करेंगे रजिस्टर में एंट्री करके, फिर आज स्टे, फिर कल सुबह मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।